अवर क्रिस्टल्स ग्रीन एवेंचुरी. तो ग्रीन एवेंचुरी फॉर हार्ट चक्रा एंड एयर एलिमेंट. ठीक है, अवेंचुरीन हमने लास्ट टाइम भी क्या था, येलो अवेंचुरी. अवेंचुरीन बहुत सॉफ्ट क्रिस्टल होता है, और येलो ऑरेंज ग्रीन, वैसे तो अवेंचुरीन हर कलर में आता है, लेकिन यही तीन मोस्टली यूज होते हैं. अब एसोसिएटेड विद ग्रीन कलर, इट इज वेरी गुड फॉर अबंडेंस. जो भी हम अबंडेंस के रिचुअल्स करते हैं या फिर अबंडेंस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्रिस्टल है ये. इट इज ऑल्सो कॉल्ड फेक जेड. चाइना में जेड क्रिस्टल है, बिल्कुल ग्रीन एवेंचुरी जैसा लगता है. वो रॉयल क्रिस्टल होता था और वो प्रोस्पेरिटी के लिए यूज होता है. जेड बहुत महंगा क्रिस्टल होता है, और रियल जेड जो होता है वो तो शायद आता भी नहीं इंडिया में, तो ग्रीन एवेंचुरिन को जेड कह के बेचते हैं. सारे क्रिस्टल्स जो सो कोई जेड बोलता है, इट इज ओनली ग्रीन एवेंचुरी. एज यू कैन सी देयर इज सच अ गुड वेरिएशन इन द कलर अवेलेबल फॉर ग्रीन एवेंचुरिन. लाइट से लाइट होता है, डार्क से डार्क होता है. ठीक है, ओल्ड पेन, और ये तकलीफ ना बहुत लोगों के साथ होती है, ओल्ड पेन, पिछली बातों पे परेशान होना. ठीक है, अब क्यों होता है इसका वेरिएशन? बिकॉज रेडिएशन ऑफ अर्थ गिव्स डिफरेंट कलर. जहां पे ज्यादा रेडिएशन होगी वहां पे ज्यादा मिनरल डिपॉजिट ज्यादा होंगे, ज्यादा कलर, लेकिन उससे इफेक्टिविटी पे कोई चेंज नहीं होता. ठीक है, अगर आप कहेंगे कि डार्क कलर का अवेंचुरिन बहुत बेटर है, तो नो, इट्स नॉट दैट. लाइट कलर का बेटर है या हल्का है, नो, इट्स नॉट दैट. अवेंचुरिन तो अवेंचुरिन है, चाहे लाइट हो चाहे डार्क. इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल समटाइम्स. अच्छा देखिए, ये स्ट्रॉन्ग है क्रिस्टल, वैसे तो इसकी एनर्जी सॉफ्ट, सारे अवेंचुरिन की सॉफ्ट होती है, लेकिन ये हार्ट चक्रा के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल है. अगर हमें हार्ट चक्रा की बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग करनी है, तो हम हार्ट चक्रा के साथ हर क्रिस्टल्स नहीं लगाते. अगर हमें रोज क्वार्ट्स की जरूरत होती है, रोज क्वार्ट्स. ब्लड स्टोन की जरूरत होती है, ब्लड स्टोन. ट्री अगेट की जरूरत होती है, तो ट्री अगेट कब यूज होता है? इट्स वेरी सॉफ्ट क्रिस्टल. जब हमें अपनी ऊर्जा सबको देनी होती है, लाइक अ ट्री, हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, तो ट्री अगेट यूज होता है. ग्रीन एवेंचुरिन कब यूज होता है? अगर वी आर नॉट हैप्पी इन डीलिंग विद फाइनेंशियल मैटर्स विद अदर्स. ठीक है, तो हमारी औरों के साथ जो डीलिंग है, इट इज नॉट गुड, या किसी और की डीलिंग आपके साथ अच्छी नहीं है, तो आप उनके लिए तो खैर, उनके एनर्जी में क्या जाएंगे, अपने लिए आप सबसे पहले सोचिए कि अगर आपकी एनर्जी डीलिंग विद अदर्स आपको लगता है कि नहीं सही नहीं आ रही, हमेशा यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम विद डीलिंग विद अदर्स, तो यू विल यूज ग्रीन एवेंचुरी. ठीक है, ये एवेंचुरी ना एक बेसिक क्रिस्टल किट है. जैसे एवेंचुरी हमने आपके जो देखे हैं चक्रा स्टोन्स जो है, सारे जो चक्रा क्रिस्टल है, मोस्टली उसके अंदर एवेंचुरीन्स है. ये एक बेसिक क्रिस्टल किट होती है. एवेंचुरीन सभी कलर में अवेलेबल है, और इट इज वाइडली अवेलेबल थ्रू आउट द वर्ल्ड इन ऑल द कंट्रीज. इसकी बहुत सारी माइंस है, हार्ट चक्रा से रिलेट करता है, एंड इट इज ऑल्सो फॉर अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस. रिलेशनशिप में कभी भी प्रॉब्लम कब आती है? व्हेन वी आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट पर्सन एज इट इज. अगर हम कहते नहीं, अगर इस तरीके से यू नो सपोज बेसिक रिलेशनशिप लेते हैं सास बहू का, मेरी बहू ऐसी होती, मेरी बहू ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, यू हैव सो मेनी कंडीशंस, द रिलेशनशिप कैन नॉट गेट वेल टूगेदर. ठीक है, तो एक ये मतलब हर रिलेशनशिप में देयर शुड बी नो कंडीशंस. कंडीशंस होती है तो फिर वो रिलेशनशिप नहीं चल पाता. इसलिए फॉर एनी रिलेशनशिप हीलिंग वेयर यू थिंक कि देयर इज अ कंडीशनल अप्रोच, तो वहां पर आप ग्रीन एवेंचुरिन यूज कर सकते हैं. अब एयर एलिमेंट है. एयर एलिमेंट जो भी कोई भी दिक्कत ऑफ एयर एलिमेंट के क्या क्या, मोस्टली रिलेशनशिप विद अदर्स ही होता है एयर एलिमेंट में. और फ्रीडम, अगर जहां पे लग रहा है कि कहीं फ्रीडम की कमी, फ्रीडम की वजह से परेशानी है, तो यू विल यूज दिस क्रिस्टल. दिस क्रिस्टल इज ऑल्सो यूज फॉर ऑल दी हार्ट एलिमेंट्स. स्पेसिफिकली ब्लॉकेजेस. ठीक है, रिलेशनशिप आ गया. ओल्ड पेन. ओल्ड पेन क्या होता है? अगेन, अगर हम अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं होती, या फिर
पुरानी चीजों के लिए रोते रहना, राइट, फॉर मैनिफेस्टेशन. बहुत बढ़िया क्रिस्टल है मैनिफेस्टेशन के लिए. जो हम जनरली मैनिफेस्टेशन के लिए रिचुअल्स में यूज करते हैं, ठीक है. धीरे धीरे आप लोग अभी क्रिस्टल हीलिंग कर रहे हैं, मे बी इन फ्यूचर आप बहुत सारी मोडेलिटीज करेंगे, तो आपको समझ आएगा कि ग्रीन एवेंचुरीन के साथ हम इतने सारे मैनिफेस्टेशन करते हैं बिकॉज ये अबंडेंस क्रिस्टल है. पैसा जहां पे भी चाहिए, जहां पे भी अटका है, जहां से लाना है, जहां पे भेजना है, ठीक है. अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस. इसमें क्या होता है कि आप ना ये नहीं कहते मुझे 10 करोड़ चाहिए, मुझे 100 करोड़ चाहिए. आप एक जनरली बोल देते हैं मेरा ये काम है, मुझे पैसा चाहिए. अबंडेंस के लिए आप डाल देते किट में. तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आपके लिए बेस्ट है, दैट अमाउंट विल कम टू यू. आपके सारे काम हो जाएंगे. देखिए ये ना एक पैकेज नहीं देता कि मुझे अगर 10 लाख चाहिए तो हे भगवान मुझे 10 लाख दे दो प्लीज दे. मुझे नहीं मालूम मुझे कितने चाहिए, मेरे काम में कितना लगेगा. इसको सिर्फ आप डाल देंगे अवेयरनेस एज अ अवेयरनेस रिचुअल और इट विल हेल्प यू इन गेटिंग योर वर्क डन विद एम्पल अमाउंट ऑफ मनी विच इज गुड फॉर यू. कम नहीं ज्यादा नहीं, अबंडेंस क्रिस्टल है. इसके साथ कोई टैग नहीं आता कि इतना ही या इतना ही, नो. कोई चेक नहीं है ये कि इतना ही मिलेगा इतना ही. इट इज अबंडेंस अनलिमिटेड अनकंडीशनल इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर इट इज देयर इन योर कर्मा और नॉट, ठीक है. इट इज द लव फ्रॉम गॉड, इट इज द डिवाइन लव फ्रॉम गॉड, ओके. देखिए हमारे ना माइंड में बहुत सारे टैब्स है, टैग्स एंड टबूज होते बचपन से ही बहुत सारे भरे हुए होते हैं कि वी आर वी कैपेबल ऑफ इट, या फिर इट इज रियली मेड फॉर अस, या फिर हमारे को इतना मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए. नो हम सब चीज के लिए कैपेबल है. आपकी माइंड की कैपेसिटी आप जितनी बढ़ाएंगे उतनी बढ़ेगी, ठीक है. वर्क फॉर इट. फॉर मैनिफेस्टेशन हो गया, फॉर इमोशनल पेन एंड ट्रॉमा बिकॉज इट इज रिलेटेड टू हार्ट चक्र, हार्ट एंड लंग्स. ऑफकोर्स हार्ट चक्र लंग्स से भी कनेक्टेड होता है, तो लंग्स के लिए इन अ वे कनेक्टेड होता है. इसके साथ 2-3 क्रिस्टल्स हमें और डालने पड़ते हैं, जैसे ब्लड स्टोन भी अगर हम रखेंगे तो वो बहुत अच्छा काम करेगा लंग्स के लिए. ये कॉम्बिनेशन होता है, अकेला लंग्स के लिए यूज नहीं होता, कॉम्बिनेशन में यूज होता है, ठीक है. पॉपुलर फॉर फाइनेंशियल हीलिंग, अगेन द सेम थिंग. चलो अब हम करते हैं इसके साथ मेडिटेशन. इसके साथ तो सबसे ज्यादा जरूरी है, सबको फाइनेंशियल अबंडेंस तो चाहिए चाहिए. हार्ट चक्र या एलिमेंट सबका अच्छा होना चाहिए, राइट. जी डॉक्टर रोनर. मैम बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, आई तो जस्ट कुड नॉट स्टॉप स्माइलिंग. जैसे ही आपने बोला वो पॉइंट ग्रीन लाइट, आई कुड सी दैट ब्यूटीफुल लाइट, व्हाइटिश ग्रीन समथिंग सम ओवर समथिंग ओवर हियर, इट वाज सो ब्यूटीफुल. देन इट स्टार्टेड स्प्रेडिंग इवन बिफोर आपने कहा कि इसको देखो एक्सपैंड, वो पहले ही स्प्रेड होनी शुरू हो गई थी मैम. एंड मैम फिर उसके बाद अपना तो जैसे आपने मेंशन किया कि डिसॉल्व योरसेल्फ, मैम आई कुड जस्ट सी लाइट, पूरा लाइट ही था. और मैम इतनी तेजी से चल रही थी मैम यूनिवर्स में, वो एक यूनिवर्स से दूसरे, मतलब इट वाज सच अ स्पीड, आई वाज वंडरिंग कि इतनी स्पीड में तो हम लोग कहीं जा ही नहीं सकते, बट लाइट वाज जस्ट ट्रैवलिंग. और ऑब्वियसली मैम अपना कुछ नहीं दिख रहा था, इट वाज ओनली दैट लाइट एंड यूनिवर्स, इट वाज सो ब्यूटीफुल, वेरी नाइस एक्सपीरियंस मैम, थैंक यू सो मच. या दिस इज द डिसॉल्विंग ऑफ ईगो, जो हमारी ओवर द इयर्स हमारे में एक्युमुलेट हो जाती है. We dissolve everything to the universe, जहां से हमारा जो सब कुछ है ना, हमने सब कुछ उनको दे दिया. Then there is no blockage. They are taking care of us. अब blockage कहाँ आती है? Heart में. सबसे ज्यादा heart में blockage आती है. तो इससे हमारी heart blockages भी clear होती है. Very nice. How sweet, ma'am. This is wonderful meditation. बहुत अच्छी थी. I'd like to share something. Yeah, yeah, yes, ma'am. मतलब इतना जबरदस्त पावरफुल जो था ये मेरा अटैचमेंट, मुझे नहीं पता मैंने किसी के साथ भी इतना फील नहीं किया. The moment you started, I could feel the energy जो मेरे हैंड से जाके मेरे हार्ट तक पहुंची, एंड वो इतनी स्ट्रांग थी कि मैं अपना हैंड नहीं मूव कर पा रही थी.
एंड देन मेरा हार्ट ऐसा हो रहा था कि बढ़ता जा रहा है, इनलार्ज हो रहा है और उसमें इतना प्यार भरा हुआ है. आई डोंट नो व्हाई आई वाज गेटिंग दैट फीलिंग अगेन एंड अगेन. एंड देन इतना बड़ा हो गया मेरा हार्ट कि मेरे ऑरा को भी टच कर रहा था, बाहर मेरी बॉडी के बाहर जा रहा था. And it was very strong, बहुत strong था. Wonderful. And I could feel myself. जितना आपने बड़ा बोला ना, मैं उतना बड़ा अपने आप को feel कर रही थी. Wow, very nice ma'am. Actually, आपको हो सकते हैं air element balance हो गया है. Your relationships might also be sweet with others nowadays. हाँ मैम, मुझे फील तो होता है. जी. तो दिस इज हाउ वी असेस एलिमेंट्स, बैलेंस ऑफ एलिमेंट्स. और आपका बहुत अच्छे से कनेक्टिविटी हुआ. नाइस मैम, थैंक यू मैम. जी मेरे वाले से क्या समझ आया मैम कनेक्टिविटी में एयर एलिमेंट का? हाँ, आपकी भी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है डॉक्टर. आपका बैलेंस है, मतलब योर रिलेशनशिप्स आर बैलेंस राइट नाउ. कैसे मैम आपकी कनेक्टिविटी हो रही है, एयर एलिमेंट है. यू आर जैसे यू आर एबल टू एक्सपेंड योर एयर टू द यूनिवर्स. इजीली गए, इजीली वापस आ गए. यू फेल्ट दैट यू वर विद दैट एयर एलिमेंट. तो आप रिलेशनशिप्स आर गुड. चलिए मनोज जी, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं मनोज जी, वेरी नाइस. देखो मैं काफी मेडिटेशन किया और कुछ डिनर था रेकी का फ्री में, तो okay. उसको भी देख लिया. मेरे तरफ से मैं किया, आपने जो बताया था वो किया. फिर ऐड कुछ हुआ तो थोड़ा चेंजेस हो गया. वाह, वेरी नाइस मनोज जी. आपकी तबीयत कैसी है सर? ठीक है. हाँ, है काफी अच्छे हैं. आप अच्छे लग रहे हैं आज, आप बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं. वो मैं एक्सपीरियंस शेयर कर लूंगा. अभी जो मेडिटेशन हुआ ना उसके बारे में बताना चाहूंगा. रोटेट कर रहा था ग्रीन स्लाइटली, जैसा आपने स्लो स्लो बात किया ना, स्लो स्लोली स्लोली करके, तो उस टाइम पे वो स्लोली चल रहा था. रोटेट होके वो एक्सटेंड कर रहा था, मतलब स्पेस को कवर कर रहा था. बाद में स्प्रेड हुआ और डार्क ग्रीन कलर का शेड आ गया पूरा. ओके ठीक है. बॉडी को कवर कर रहा था. वेरी नाइस, वेरी नाइस सर. तो आपको सर कुछ आराम मिला, कुछ लगा? हाँ, अच्छा फील हुआ. बहुत अच्छा हुआ है सर. आपका भी बहुत अच्छा है, आपका बैलेंस है हार्ट चक्रा. तो सबसे पहले हर चीज हमारी स्टार्ट ही हार्ट चक्रा से होती है. आपका बैलेंस है, आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं, तो सब चीज अच्छी हो जाती है. वेरी गुड सर, नाइस.